इतनी तेज धूप है ना कि सोना भी फीका हो जाएगा इसकी। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे 6:30 और हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सबसे पहले किचन का काम निपट जाता है ना तो बड़ा ही रिलैक्स मिलता है। सो गाइस, तो यहाँ पर सुबह सुबह मैंने मसूर दाल होता है ना खड़ा साबुत, उसका मैंने सब्जी बना लिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे बन गया है चोखा, और ये रात का बचा हुआ आटा है, और इसमें मैं बना रही हूँ मुरब्बा आम का। आम मम्मी लाई थी 1 kg, तो उसमें से हाफ के जी मैं भी बना रही हूँ, हाफ के जी बाद में बनाऊंगी। ये देखिए, ये बन रहा है आम के कच्चे आम का मुरब्बा, जो मैं वहाँ पे बनाई थी, जिसकी रेसिपी शायद मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो ये भी पकानी है, इसको अभी ढकना होगा, आधे घंटे तक पकाना होगा, तब जाकर ये पकेगा। और इसमें मैं ना गुड़ डालती हूँ, थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, हल्का सा नमक डालती हूँ, 1 चुटकी बस। और यहाँ पर बन चुका है मेरा चाय, तो अभी मैं गर्म कर लूँगी, क्योंकि चाय बनाने के बाद मैं इसको बंद कर दी थी, पी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगाना था आटा। आटा लगाने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी मंदिर से भी आ गई है, मंदिर से आने के बाद सबको आशीर्वाद देंगे। चलो मेरे बहुबती नाती पति सबको भर भर का आशीर्वाद आज एकादशी के दिन। तो 4 दिन बाद मम्मी मंदिर गई, क्योंकि मम्मी का तबीयत खराब था। आज मेरे बच्चे बहुत भर भर का, तो हम सांस बहु पियेंगे चाय। पापा तो पीकर जा चुके हैं। अगर आपको आयरन की कढ़ाई को साफ करना है, अगर जंग लग गया तो उसमें कुछ खट्टा लगा दो, तो देखो कैसे चमक गया। इसमें हमने मुरब्बा बनाई थी ना, देखो कैसे चमक गया है, नहीं तो इसमें जंग जैसा हो जाता है। और दूसरी बात, जैसे वॉश करने के बाद आप इसको कपड़े साफ नहीं करना, सुखाना नहीं, इसको गैस के ऊपर रख के थोड़ा सा गर्म करके सुखा दो ना, तो जंग नहीं लगता है। तो ये बिल्कुल अभी क्लीन हो गया है, हालाँकि मैं धुलूँगी, ऐसा नहीं कैसे रख दूँगी, इसको वॉश करूँगी, ठीक है। और ये देखो यहाँ बन गए मुरब्बा, कितना टेस्टी लग रहा है यार खाने में। बस आयुषी के आने की देर है, देखने की देर है, वो तो छोड़ेगी नहीं, इसलिए मैं कम कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि खट्टा खाना वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। सो गाइज, फाइनली हम लोग आज घूमने जा रहे हैं। अचानक से प्लान बना कि हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, और कहाँ जा रहे हैं वो आप मतलब जाने के बाद आपको दिखाऊंगी। और ये देखो इयररिंग्स मैंने नया लिया, कैसा लगा ना आप लोगों को, कैसा लगा? और ये देखो ये लड़की, इसके पास इतने कपड़े, लेकिन एक ही कपड़ा पहनते, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, आज के बाद इसके लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदूंगी, कोई भी नहीं। एक तो डेली का गर्मी, उसको पहनते जींस पे, मम्मी पहना रही डेनिम वाले पैंट पे। नहीं, एक बात बताओ, गर्मी में कंफर्टेबल पहना चाहिए भाई, मुझे तो जो सही लगता है ना, भले एक ही कपड़ा हो, मैं ना ये आराम वाला कपड़ा पहन के जाती हूँ कॉटन का, क्योंकि गर्मी बहुत है और टाइम लगने वाला। और ये क्या लेकर आ रही है, ये सब कपड़े बताओ, ये सब कपड़े गर्मी में पहनते हैं? ये डबल पहन के जा रही है, ट्रिपल। मैं इसको बोली टी शर्ट डाले नीचे, कुछ और डाले, आराम मिलेगा, लेकिन इसको तो यही पहनना है, तो पहने, मेरा क्या जा रहा है, पहने, और जब वहाँ पे गर्मी लगेगी तो पता चलेगा, है ना। एक तो ऐसी इतनी तेज धूप हो रखी, चिलचिलाती हुई धूप हो रखी है, और अभी मतलब कहीं जाना होता हमारा लेट ही हो जाता है। अभी बज गया 12 और हम निकलने वाले थे 11 बजे, लेकिन काम करते करते टाइम लग गया। अगर ये सुबह से प्लानिंग होती है तो सुबह से जल्दी उठ के काम कर लो, तो फटाफट काम निपट जाता है ना। प्लानिंग था रेडफोर्ट जाने का, पर मेरा मन हट गया वहाँ से, क्योंकि बहुत तेज धूप है और वहाँ ऐसी धूप में चलना पड़ेगा, और बच्चे हैं साथ में, तो मैं नहीं चाहती बच्चे बीमार पड़े। वैसे भी अभी 1 हफ्ते से घर में पूरी फैमिली बीमारी पड़ी थी, तो अब दोबारा कोई ना पड़े टचवुड। तो अभी हम जा रहे कहीं और जो अंदर अंदर हो और वहीं पे घूमे। तो कहाँ जाएंगे वो आपको बताएंगे, और यहाँ पे ध्रुव भी रहेंगे। हाँ बोलो 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 ना, इसको पैंट फटा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा दे देती हूँ। अरे नहीं, लो लो, यहाँ पे तुम्हारा दूसरा टंगा हुआ जींस, ये पहन लो, इसको प्लीज नहीं डालना मुझे। अच्छा ठीक है, ये बताओ किसकी पैंट नहीं फटती है, सबकी फटती है, सब सिल सिल के पहनते है। ऐसे पैर करा और दिख रहा है। चलो चलो फटाफट चलते हैं, अभी कुछ हमने खाया भी नहीं, कुछ खाएंगे घर से, उसके बाद चलेंगे। हाँ, और इसका अभी बाल बनाना, ये अभी रेडी नहीं है, पता है इतने लंबे लंबे बाल होंगे, मैं इसका बाल कट करूंगी, क्योंकि ये अपना बाल नहीं संभाल पाती है। चलो भाई फटाफट चलते, क्योंकि आपके भाई साहब बहुत ज्यादा गुस्से में, कितना लेट कर रही हो। नहीं नहीं बेटा, क्या हो गया सबको, सब फूल फूल की पहन कर जा रहे हो बेटा, बहुत गर्मी है उधर, मतलब बच्चों को संभाला, बच्चे छोटे होते चिड्डी में घूमते हैं, जैसे थोड़ा बड़े हो जाते हैं कपड़े अपने खुद से चॉइस करते क्या पहनना क्या नहीं पहनना। हाँ चलो चलो चलो, तुमको कुछ लगाना चाहिए, इसकी घड़ी चार्ज नहीं हो रही है, परेशान है, बताओ। मैं निकाली डस्टिंग करते वक्त,
चलो फटाफट चलते हैं, खाते फिर निकलते हैं, कहाँ जा रहे हो मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, दादी को बोल रहे हैं दादी जाएंगे। हाँ जाएंगे, धूप हो रहा है थोड़ा, तबीयत खराब था इसलिए जरूर जाते हैं, फिर जाएंगे और किसी के साथ जाएंगे घूमने कहीं। और आया तो अच्छा लग रहा है, छोटे तो कभी घूमे ही नहीं मेरा बच्चे गए तो थे बहुत भर पैसे। आप लोग भी घूम लेना जब आना छुट्टी पर दिल्ली में। दिल्ली में सो खास तो नहीं है, घूमने वाला का बहुत है, घूमने का कुतुब मीनार, लाल किला, फन फूड विलेज, एडवेंचर ऐसे बहुत कुछ है। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं और ये आई सी क्या पहने और गर्मी में मजा आ रहा है घूमने में, गर्मी में घूमने जाना है, घूमने जाना है, अच्छा खासा घर में रहते हैं और गर्मी है। यहाँ से हम लोग जाएंगे मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हम लोग जाएंगे मेट्रो से जहाँ जाने वहाँ पे बता ही देते कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हैं तो आइलैंड। हाँ आइसलैंड जा रहे हैं, आइलैंड बोलते हैं आइलैंड। हाँ पार्क की बात तो हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर आइलैंड, वहाँ पे जा रहे हैं मेट्रो से जाएंगे, यहाँ से उत्तम नगर, उत्तम नगर से मेट्रो मेट्रो में चेंज कर। और बहुत टाइम लगेगा, एक घंटा तो लग ही जाएगा आराम। मेट्रो में मज़ा भी आता है, सीट मिल जाए तो खड़े खड़े नहीं। राजौरी गार्डन और यहाँ से चेंज करेंगे मेट्रो, उसके बाद हाँ सुभाष पैलेस, वहाँ से दूसरी एक और मेट्रो चेंज करना पड़ेगा ना, नेताजी सुभाष पैलेस, नेताजी सुभाष पैलेस वहाँ से एक और मेट्रो चेंज, उसके बाद हम अपनी जगह पे पहुँच जाएंगे। बहुत गर्मी लग रही है, गंदी वाली गर्मी। अरे पानी को या पानी, अगर बच्चे नहीं बोलते ना तो मैं नहीं जाती घूमने के लिए, मतलब बाहर निकलना क्या बोलते हैं खतरों से खेलने वाला काम है। बहुत गर्मी लग रही थी, बारी मेट्रो आ गई है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ये है लास्ट मेट्रो हमारा, क्या था, रिठाला मेट्रो स्टेशन, और अब हम जा रहे हैं आइलैंड। सर यहाँ से एक किधर गए, ब्लू है इधर, चलते चलते हम ऊपर नीचे करते करते थक गए, है ना गुनू, चार मिनट का रास्ते उधर तक जाने के लिए। अब गुनू क्या जल गए जरा बताना, बोलो, बैक सीट जल गई, सीट बहुत गर्म है। और यहाँ से अब हम लोग निकल चुके आइलैंड के, चलने का मन नहीं कर रहा, बहुत धूप है, बहुत तेज, मतलब तीन मेट्रो स्टेशन हम है और ऊपर नीचे की कुछ भी हालत खराब है, गर्मी की वजह से, गर्मी नहीं होती तो उतना नहीं पता चलता, ठंडियों में ठीक है घूमने फिरने का, गर्मियों में तो शाम को और थोड़ी अच्छा, लेकिन अभी तो हम निकले तो 1 बजे था, अभी 2 बजे गया और 7 बजे से खुला रहता है, 7 बजे बंद हो जाता है, थोड़ा सा पहले निकलना सही है ना, अच्छे से घूमना होता है, झूले वूले का मजा लेना है। हम लोग पहुँच चुके हैं आइलैंड और बहुत तेज धूप है यार, चलो जल्दी अंदर।
आज मेरा सपना पूरे होने जा रहा है और हम जा रहे हैं अंदर एडवेंचर आइलैंड के। बैंड इसको हाथ पे लगानी है, फटना नहीं चाहिए, फाड़ना मत, ठीक है? तो गाइस ये है बैंड और ये है टिकट। ये देखिए, ये पर हेड 400 का दिया, मतलब जो होता है ना वीकेंड सैटरडे टू संडे उसमें 500 है और बाकी का मंडे टू फ्राइडे। और मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला बोला इसमें, इसमें स्क्रीन के अंदर। बैंड पहन लिया है, सो इसी बैंड से हम अंदर एंट्री करेंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर धूप है, शाम को आना चाहिए। घर के पास में होता तो शाम को आते, लेकिन दूर है ना, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा हमें आने में। शाम को आओ अगर आसपास के लोग हो ना, और शाम को आओ तो अच्छा है। बहुत धूप है, बहुत सबसे ज़्यादा, और आप जितना घूमोगे नहीं ना, धूप की वजह से थक जाओगे। यहाँ से स्टार्ट हो गया इन लोगों का, तभी बच्चे घूम ही रहे, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है, उनको गर्मी नहीं लग रही, धूप भी नहीं लग रही है। सबकी तबीयत खराब से लग रही है ना गुनू, बच्चे भी बोले कि चलो घर चलो वापस चलो, तो हम लोग आधा घंटे इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठंडी हवा आ रही है, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से घर के, आधे घंटे बाद। इधर कभी मत आना, बहुत घटिया जगह है। ऐसा नहीं है, जिसके आने का मन है वो आओ, लेकिन शाम को आओ, दोपहर बिल्कुल मत आना, खास करके इस टाइम ठंडी में, मतलब थक जाओगे ऐसे ही धूप की वजह से। और वैसे भी आपने तो करा ही नहीं वो स्विमिंग पूल वाला, जाना है तो जा, बैठे तो है, कपड़े भी लेकर आए, लेकिन यही है कि मतलब धूप इतनी तेज है ना कि सब ना फीका फीका लग रहा है।
प्यारे व्यूवर्स, छोटे मोटे व्यूवर्स, ये है पीछे तैरने वाली प्लेन, जिसको तैरना है उड़ना नहीं है, आ जाए इसमें बैठ के खा भी लेगा और तैर भी लेगा। ये है रेस्टोरेंट वाली चलो प्लेन। चलो चलते हैं ना। और धूप तंग हो गया है, घर चलो घर चलो। मुझे तो सबसे पता ही क्या है, सबसे अच्छी ये लग रहा है यहाँ पे कैबिन, पानी है, प्लेन है, ठंडा ठंडा हवा आ रही इधर है ना। इधर हमारी पार्टी चल रही है, इधर हमारी पार्टी चल रही है, पार्टी चेहरे की बैंड बजी पड़ी है। सो गाइस, हम लोग घर जा रहे थे तो हमें वीआर भी दिख गया, तो हम लोग वीआर में बैठे और मतलब वीआर में अलग ही एक्सपीरियंस आया है। मतलब हमने मैंने जो देखा ना ध्रुव और मैंने देखा सेम डायनासोर वाला था, रोलर कोस्टर था। मैं बोली हॉरर देख ले, पर ध्रुव बोला नहीं नहीं देखना, तो उसने ये डायनासोर वाला दिखाया। वरना तो इसमें हॉरर है, एडवेंचर है, थ्रिल है, और आगे लिस्ट आएगा वो देखने। कैसा कैसा लगा? मजा आ गया। था क्या? वीआर था। ध्रुव कैसा लगा? अच्छा, आँख में दर्द होता है। खराब जैसे लग रहा है इसका। हाँ क्या हो गया? मेरा पेट खराब हो गया, पानी पी के गई थी। तुम लोग डायनासोर जाने वाले थे, बताओ वहाँ तो और ज़्यादा खराब हो जाता। अब हम तो चले अपने घर की तरफ, गृहस्थी में जा रहे अब हम, है ना गुन्नू? क्योंकि गुन्नू की तबीयत खराब होने लगी है, कुछ ज़्यादा ही हिलडुल गई है ना। हाँ वो तो है, मुझे भी होता है, इसलिए मैं झूले में नहीं बैठती हूँ हिलने की। अब यहाँ से लंबा रास्ता है, नहीं होगा नहीं, इसलिए चलो। ये देखो धूप है, धूप दिखा रहा हूँ, धूप। इतना धूप है ना कि सोना भी फेल हो जाएगी, इतनी तेज धूप है ना कि सोना भी फीका हो जाएगा इसकी गोल्डन गोल्डन कलर की वजह से। ना बेटा धूप भी नहीं दिख रहा, आँखें चमक रही है फ्यूल पर। आप लोग जब आना तो शाम को आना, दोपहर में मत आना, हो नहीं पाएगा कुछ। एक तो लाइन लंबी इतनी कि पूछो ही मत, हर जगह लंबी लाइन लंबी लाइन। हमारे आगे 50 लोग खड़े थे, सुबह 9-10 बजे आने से ना खाली रहता है, आराम से घूम सकते नहीं। देखो अगर धूप में ही घूमना है तो 9-10 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, 11 बजे सब अपना घूम लो अच्छे से, छाया आ जाएगा ना यहाँ पे। अगर आपको अच्छे से घूमना है तो क्या बोली थी मैं, 11 बजे आ जाओ, 10-11 के बीच में आ जाओ तो घूम लोगे अच्छे से। नहीं तो सबसे अच्छा है शाम को आओ, धूप नहीं है ज़्यादा, कुछ है नहीं घूमने के लिए, मतलब को तो बिल्कुल नहीं। 7 बजे सब खुला रहता है ना। हाँ शाम को सबसे अच्छे 5 बजे निकलो और आराम से घूमो फिरो एंजॉय करो, पर दोपहर को बिल्कुल नहीं। 11-12 बजे शाम को मुझे लग रहा है और भी भीड़ होगी क्योंकि आसपास के जितने लोग शाम को आना है तो इनको 10 बजे आ जाना। 10 बजे तो 10 बजे आओ, नहीं तो शाम को बीच में मत आना, फंस जाओगे हमारी तरह वापस जाओगे। दोपहर को आ गए, हम तो ज़्यादा कुछ घूमे भी नहीं, बैठ बैठ कर जा रहे हैं हम लोग, हवा खा कर बस यही है। झूले वूले हैं, कुछ झूले अभी बंद है, जो मेन मेन है वो तो अभी बंद है, उस पर काम चल रहा है, है चार पाँच और है जो बंद है, और बाकी वही पानी के नीचे वही रेन डांस है बच्चे कर रहे थे वहाँ पर। इससे ऐसा मुझे ड्रीम लैंड लगता है, स्लाइडर होता है ना। हाँ स्लाइडर अच्छा लगता है मुझे, ड्रीमलैंड में जो होता है ना उसके चल के पानी में जाओ वो अच्छा लगता है। यहाँ पे शायद वो नहीं था ना, नहीं था, नहीं था केवल बाकेट से पानी डाल रहा था। अरे नहीं था पर वो बंद था, बंद था शायद, बंद कर रखा है। हाँ बंद था बहुत सारी।
दी। हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए और आयुषी को जो पसंद आएगा वो खाएगी। अभी तबीयत ठीक है तुम्हारी? इसके चक्कर में ना हम ऑटो में आ रहे, बताओ मर गए गर्मी में। और बोलिए मेट्रो से नहीं उल्टी होगी, उल्टी होगी, इसलिए हम लोग मेट्रो से नहीं ऑटो से आए। चल राजौरी गार्डन से लेकर उत्तम नगर। हाँ शाही पनीर, ठीक है शाही पनीर लेंगे। अच्छा तो गाइस यहाँ पर हमारा डिनर आ चुका है और डिनर में हम मंगाए थे कढ़ाई पनीर नान और गार्लिक नान और मंगाए थे तंदूरी रोटी, लेकिन इतना भी हमसे ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि पानी पी पी कर ही हमारा पेट फूल हो गया था। इससे पहले हमने थोड़ा सा स्नैक्स मंगाया था, जैसे टिक्की मंगाया था और पाव भाजी मंगाया था, तो पेट तो पहले ही आधा फूल हो चुका था, तो हमने थोड़ा थोड़ा खाया और फिर वापस हम लोग निकल चुके घर के लिए। भाई खाना अच्छे से दबा के निकल गए हम घर की तरफ। एक घंटा खाया, अभी शक्ल लग रही भूत नहीं चुड़ैल की तरह। एक और आधा घंटा हम लोग खाए। पागल वेट करे ऐसा, ये रेस्टोरेंट है ना अच्छा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसको क्या हो रहा है? आज इतना पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा। मतलब इसको होटल में ना खाने से अच्छा पानी ही लगा, दो तीन ग्लास पानी। जितना हम लोग खाना नहीं खाए ना उतना हम लोग पानी पी, जिंदगी में पहली बार मैं इतना पानी पी। दो घंटे के अंदर मैंने इतने गिलास पानी पी लिए, अंदाजा नहीं। मैंने भी पिया था।